नमस्कार विद्यार्थियों, पाठ दो भारत की सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, हस्तकला और ललित कलाएं, जिसमें विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियोस में जो है यहाँ पे चर्म उद्योग और हीरा मोती काम और मीना कलाकारी के विषय में जो है जानकारी प्राप्त की थी। अब हम उसमें आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। जरीकाम में अपना देश प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। चांदी और सोने के तार के रूप में जरी बना करके उसका उपयोग कढ़ाई बुनाई कला द्वारा कीमती वस्त्रों को सजाने में होता था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जरीकाम में जो है हमारा देश प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध माना जाता है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में जो है जरीकाम का विशेष रूप से यहाँ पर विकास हुआ है। सोने और चांदी के तार के रूप में जरी बना करके जो है उसका उपयोग कढ़ाई बुनाई की कला द्वारा जो कीमती वस्त्र है उनको सजाने में होता था। भारत में जरी काम की कारीगरी के लिए सूरत प्रसिद्ध है। पानेतर कन्या को ब्याह के समय पहनाया जाने वाला वस्त्र, साड़ी, गरचोला जैसे वस्त्र परिधान के लिए सूरत के कुशल कारीगर जरी की किनारी लगाकर बेजोड़ काम करते थे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जरी काम जो है वह हमारे देश में प्राचीन काल से ही विकसित है। तो चांदी और सोने के तार के रूप में ही जरी बना करके जो है उसका उपयोग कढ़ाई बुनाई कला द्वारा जो है कीमती वस्त्रों को सजाने में होता था। और भारत में जो जरी काम की कारीगरी है उसके लिए सूरत जो है वह प्रसिद्ध शहर माना जाता है। सूरत में जो है जरी काम का विशेष रूप से यहाँ पे विकास हुआ है। पानेतर यानी जो कन्या को ब्याह के समय मतलब उनके शादी के समय जो ड्रेस पहनाया जाता है उसे जो है पानेतर कहते हैं। तो पानेतर, फिर साड़ी, गरचोला जैसे वस्त्र परिधान जो है उनके लिए सूरत के जो कुशल कारीगर है जरी की किनारी लगाकर बेजोड़ काम करते थे। तो यहाँ पे विद्यार्थियों हमने जरी काम के विषय में इतनी जानकारी प्राप्त की। धातु विद्या भी भारत की प्राचीन विद्या है। पाषाण युग के बाद धातु युग में धातु विद्या विकसित हुई। तो यहाँ पे हमें जो है जरी काम के बाद धातु काम के विषय में जानकारी दी गई है। तो धातु विद्या जो है वह भी भारत की प्राचीन विद्या मानी जाती है। और पाषाण युग जो था उसके बाद में धातु युग में धातु विद्या की खोज हुई। लोथल के कारीगर धातु में से हंसिया, बर्मा, छिद्रक, घुमावाली, आरी, आरा और सुई जैसे तांबे एवं कांसे के औजार बनाते थे। इसी तरह धातु में से औजारों के उपरांत बर्तन, मूर्तियां और पात्र बनाए जाते थे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोथल के जो कारीगर थे वे लोग धातु में से हंसिया, फिर जो है बर्मा यानी चिद्रक, फिर घुमावाली, आरी, आरा और सुई जैसे जो है यहाँ पे उपयोग में आने वाले जो साधन हैं वे तांबे एवं कांसे के औजार बनाते थे। इसी तरह धातु में से जो है औजारों के उपरांत बर्तन, मूर्तियां और पात्र जो है वे भी बनाए जाते थे। फिर धीरे धीरे जो है धातु काम में यहाँ पे विकास होने लगा था। युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र भी धातु में से बनाते थे। सोना चांदी जैसे धातुओं का उपयोग गहने में होता था। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बताया है कि युद्ध के लिए जो अस्त्र शस्त्र वगैरह जो बनाए जाते थे वे भी धातु में से बनाए जाते थे। और सोना चांदी जैसी धातु जो है इनका उपयोग गहने में होता था। तो इस तरह से जो है यहाँ पे धातु का धीरे धीरे विकास हुआ। तांबा, पीतल और कांसा जैसी धातुओं का उपयोग बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में होता था, जबकि लोहे का उपयोग औजार एवं हथियार बनाने में होता था। तो इसके बाद हमें यहाँ पे बताया है कि तांबा, पीतल और कांसा जैसी जो धातु है इनका उपयोग बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में होते थे। तो प्राचीन समय में जो बर्तन और मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती थी ये सब जो है तांबा, पीतल और कांसा जो है धातु इनसे बनाई जाती थी। तथा जो लोहे का उपयोग है ये औजार एवं हथियार बनाने के लिए होता था, जैसे कि युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं। फिर जो औजार वगैरह बनाए जाते हैं यह सब जो है लोहे की धातु से बनाया जाता था। तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ पे भारत में धीरे धीरे जो है धातु विद्या की खोज हुई और उसके बाद में जो है धातु विद्या इसका विकास हुआ। काष्ठ कला।
मानव जीवन का संबंध प्रारंभ से ही वृक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा रहा है। शुरुआत में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग होता था। धीरे धीरे औजारों, भवनों और मकानों के निर्माण में लकड़ी का उपयोग होने लगा। तो यहाँ पे जो है हमें काष्ठ कला के विषय में जानकारी दी गई है कि मानव जीवन जो है, मानव जीवन का प्रारंभ से ही वृक्षों, जंगलों और प्रकृति के साथ जो है संबंध जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है वृक्षों और जंगल के साथ मानव जीवन का गहरा संबंध रहा हुआ है। तो शुरुआत से ही ईंधन के रूप में, जब अग्नि की खोज हुई तब ईंधन के रूप में लोग लकड़ी का उपयोग करते थे, और धीरे धीरे जो औजार, भवन, मकान वगैरह जो होते थे, जैसे जैसे यहाँ पे विकास हुआ वैसे वैसे फर्नीचर वगैरह के निर्माण में जो है यहाँ पे लकड़ी का उपयोग होने लगा। क्रमशः लकड़ी की मूर्तियाँ, बालकों के लिए खिलौने, गोखा, ताक, खंभे, खिड़की, दरवाजे, अटारी, सिंहासन, कुर्सी, जाली आदि बनने के साथ काष्ठकला नक्काशी का विकास होता रहा। गुजरात में संखेड़ा का फर्नीचर, लकड़ी का झूला तथा इडर के खिलौने प्रसिद्ध है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे लकड़ी का जो है काष्ठकला का धीरे धीरे विकास हुआ। लकड़ी की मूर्तियाँ बनने लगी, उसके बाद बालकों के लिए जो खिलौने वगैरह है वह खंभे, खिड़की, दरवाजे तथा सिंहासन, जाली वगैरह जो है, यह सब जो है इनके साथ काष्ठकला नक्काशी का विकास होता रहा। और गुजरात में संखेड़ा का जो फर्नीचर है वह, फिर लकड़ी का झूला तथा इडर के जो खिलौने है वह प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो है काष्ठकला का भी विकास हुआ है, जो कि हमारे यहाँ पे हमने जाना कि मानव जीवन का जो है प्राचीन समय से ही वृक्षों और जंगलों के साथ संबंध रहा हुआ है, जिसमें जो है अग्नि की खोज होने के बाद शुरुआत में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग होता था, फिर धीरे धीरे औजार, भवन और लकड़ी जो घर वगैरह होते हैं उनके निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग होने लगा। उसके बाद जो लकड़ी की है वह मूर्तियाँ बनने लगी, बालकों के लिए खिलौने, फिर खिड़की, दरवाजा वगैरह जो है, जाली वगैरह यह सब बनने लगे। तो उसके बाद में जो इन सब के बनने के साथ साथ जो काष्ठकला नक्काशी उनमें होती है उसका विकास हुआ। तो गुजरात में जो संखेड़ा का फर्नीचर है, लकड़ी का झूला तथा इडर के जो खिलौने हैं यह सब काष्ठकला के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे अभी हमने धातु काम और काष्ठकला के विषय में जानकारी प्राप्त की, उसके आगे का हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।